नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. इन द फिगर शोन टू प्रोजेक्टाइल्स आर फायर्ड साइमल्टेनियसली. वॉट शुड बी द इनिशियल स्पीड ऑफ द लेफ्ट साइड प्रोजेक्टाइल ऑफ द टू प्रोजेक्टाइल्स टू हिट इन मिड एयर. ठीक है, ये दो प्रोजेक्टाइल हैं, इसकी स्पीड दी आपको 20 मीटर पर सेकेंड, 45 के एंगल पर फेंका गया. और जो दूसरा प्रोजेक्टाइल है वो उसकी स्पीड u दी है आपको, u फाइंड करनी है आपको, और ये 60 डिग्री एंगल पर फेंका गया. इन दोनों के बीच का गैप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है साइमल्टेनियसली थ्रो किए गए हैं, हॉरिजॉन्टल सेपरेशन 10 मीटर दिया है. और इनका फेट ये है कि फाइनली ये मिड एयर में जाके एक दूसरे के साथ कोलाइड कर जाते हैं, हिट कर देते हैं. ठीक है, तो इसको मैंने कुछ इस तरह से ये डायग्राम बनाया है. ठीक है, ये मिड एयर में जाके कोलाइड कर रहे हैं एक दूसरे के साथ यहाँ पे. ठीक है, तो कोलिजन के लिए इंपॉर्टेंट बात ये है कि दोनों ने सेम टाइम में सेम वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल की होगी. अगर हम इन दोनों का वर्टिकल मोशन देखें तो दोनों को साइमल्टेनियसली फायर किया गया है, इसका मतलब दोनों को उस पॉइंट तक पहुंचने में जो टाइम मिला है वो सेम मिला है. ठीक है, और उस पॉइंट की वर्टिकल हाइट तो दोनों के लिए सेम ही है, इसने जो वर्टिकल हाइट कवर की है उतनी वर्टिकल हाइट इसने कवर की है. ठीक है, यानी टी टाइम में दोनों ने जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट लिया है वो सेम है, सेम टाइम में सेम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, और वर्टिकल डायरेक्शन में सेम एसलेशन होता है दोनों के लिए. एसलेशन क्या होगा, जी. ठीक है, तो ढंग से समझना है, सेम टाइम है, सेम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट लिया है, सेम एसलेशन है, इसका मतलब दोनों की जो वर्टिकल स्पीड होगी, इनिशियल वर्टिकल स्पीड, वो डेफिनेटली सेम होगी. क्योंकि इक्वेशन क्या बनती है, इक्वेशन बनती है h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ठीक, अब आप देखते जाओ, h दोनों के लिए सेम है, वर्टिकल की बात कर रहे हैं हम, टाइम जो है वो दोनों को सेम मिला है, एसलेशन दोनों के लिए सेम है, तो डेफिनेटली u भी दोनों के लिए क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए. यानी वर्टिकल वेलोसिटी दोनों की क्या होगी, सेम. ठीक, और वहाँ से तुरंत आपको u की वैल्यू मिल जाएगी. इसकी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, तो वो है 20 साइन 45, तो वो होगी 20 बाई रूट 2 इज इक्वल टू, इसकी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, u साइन 60, साइन 60 होता है रूट 3 बाई 2, तो ये हो जाएगा u टाइम्स रूट 3 बाई 2. तो u जो आपका आ गया वो आ गया 40 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 6. ये मिल जाएगी इनिशियल वेलोसिटी यानी u की वैल्यू. ठीक है, इसको थोड़ा सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर सकते हो. ये बन सकता है आपका 20 रूट 2 डिवाइडेड बाई रूट 3, सारी वैल्यूज पुट करो तो आपको आंसर मिल जाएगा. ठीक है, क्लियर. अब क्वेश्चन में एक चीज़ नहीं पूछी गई, हम वो भी फाइंड करने की कोशिश करते हैं. क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया कि दोनों को कितना टाइम लगेगा, टाइम नहीं पूछा गया, टी कितना टाइम लगेगा कोलिजन होने में, कितना टाइम लगेगा वो नहीं पूछा गया, लेकिन वो हम फाइंड करते हैं. तो ऐसा करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल की इक्वेशन बनाते हैं. ठीक है, हॉरिजॉन्टल का अगर आप डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो जो 45 वाले ने जितना डिस्प्लेसमेंट लिया होगा उससे 10 मीटर कम इस u वाले ने डिस्प्लेसमेंट लिया होगा. ठीक है, u की जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिस्प्लेसमेंट प्लस 10 मीटर, वो होगा 45 का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट. तो u का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो टाइम अगर t लग रहा है तो u का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यानी u cos 60. u cos 60 कितना होता है, तो वो होता है u बाई 2 इंटू टाइम कितना है, t. इसमें कितना ऐड कर दें, 10 मीटर एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं. और यही ये दोनों का मिला के किसके बराबर होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है डिस्प्लेसमेंट उस 45 वाले ने. ठीक है, तो वो कितना होगा, 20 cos 45 यानी 20 बाई रूट 2 इंटू टाइम टी. ठीक, तो यहाँ से हम टी फाइंड करेंगे, देखते जाना है आपको. यू की वैल्यू पुट करते हैं, यू कितना है, 20 रूट 2 बाई रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये जाएगा 10 रूट 2 बाई रूट 3 इंटू टी. ठीक, प्लस 10 इज इक्वल टू 20 टी बाई रूट 2. ठीक है, ये एक जीरो, ये जीरो, ये जीरो कैंसिल कर लेते हैं, रूट 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो रूट 2 टाइम्स आ जाएगा. तो 1 को इधर छोड़ते हैं, बाकी सब कुछ इधर ले आते हैं, तो रूट 2 टी माइनस रूट 2 बाई रूट 3 टी इज इक्वल टू क्या है, 1 है ये. तो यहाँ से टी मिल गया आपको, कितना टाइम लगेगा उनको, तो रूट 3 अगर हम एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा रूट 6, या रूट 2 कॉमन ले लेते हैं, रूट 3 माइनस 1 टाइम्स टी इज इक्वल टू 1. तो टी जो आ रहा है आपका वो आ रहा है रूट 3 डिवाइडेड बाई रूट 2 इंटू रूट 3 माइनस 1. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो आप. ये वो टाइम होगा इस टाइम इंटरवल के बाद, इस टाइम के बाद वो दोनों पार्टिकल क्या कर जाएंगे, एक दूसरे से कोलाइड कर जाएंगे. इतना टाइम लगेगा कोलिजन होने में स्टार्टिंग से. ठीक,